नमस्कार, सच कहो न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। मुंबई के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ चार्टर्ड प्लेन, राहगीर समेत 5 की मौत। कबीर की मजार पर पहुंचे सीएम योगी, टोपी पहनने से किया इनकार। सर्जिकल स्ट्राइक वीडियो पर विवाद भड़की, बीजेपी ने कहा आतंकियों के मन की बात कर रही कांग्रेस। अमेरिका ने भारत के साथ 6 जुलाई को होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता स्थगित की। पटना में नहीं दिख रहा नमामि गंगे का असर, घाटों पर बह रहे हैं नाले का पानी। और अब खबरें विस्तार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के रिहायशी इलाके सर्वोदय नगर में गुरुवार दोपहर एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया। विमान में 4 लोग सवार थे। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। विमान में सवार सभी 4 के अलावा एक राहगीर की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि विमान जिस समय क्रैश हुआ, राहगीर उस जगह से गुजर रहा था। पायलट के अलावा इस विमान में 2 टेक्नीशियन भी बैठे हुए थे, जिनकी मौत हो गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले मगहर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। योगी कबीर की मजार पर भी गए। मजार पहुंचने पर वहां के संरक्षक ने उन्हें कबीर टोपी पहनाने की कोशिश की। इस पर योगी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि संत कबीर दास के 620वें प्रकट दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मगहर पहुंचे हैं। यहां कबीर की समाधि स्थल पर पीएम मोदी ने मजार पर चादर चढ़ाई। भारतीय सेना की तरफ से 21 महीने पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकी शिविरों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो बुधवार को सामने आया है। इसके बाद एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सेना के बलिदान को वोट में बदलने की सरकार कोशिश न करे। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस वीडियो पर देश के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर सेना के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा पूछा है कि इस वीडियो को जारी करने की क्यों जरूरत पड़ गई। अमेरिका ने भारत को इस बात से अवगत कराया कि वो दोनों देशों के बीच होने वाली प्रथम द्विवार्ता अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर रहा है। साथ ही उसने इसके लिए खेद व्यक्त किया है। दरअसल भारत अमेरिका के बीच द्विवार्ता 6 जुलाई को होने वाली थी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के साथ बैठक के लिए अमेरिका जाने वाली थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पोम्पियो ने सुषमा से बात की और अमेरिका द्वारा अपरिहार्य कारणों से द्विवार्ता स्थगित करने को लेकर खेद और गहरी निराशा व्यक्त की है। केंद्र में एनडीए सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी ने 2014 में चुनाव में गंगा की सफाई का मुद्दा बनाया था और सत्ता में आने पर नमामि गंगा प्रोजेक्ट शुरू किया। 20,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस प्रोग्राम का मकसद गंगा को निर्मल बनाना है। इसके लिए सबसे अधिक ध्यान गंगा में शहरों के नाले से गिरने वाले कचरे को रोकने पर है। सरकार की कोशिश है कि नाले का पानी बिना कचरा साफ किए गंगा में ना मिले। इसके लिए गंगा किनारे बसे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने हैं। हालांकि बिहार में नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज मैनेजमेंट के लिए कुछ खास काम नहीं दिखता। पूरे शहर का कचरा नालों से सीधे गंगा में मिलता है। इसके चलते पटना के घाटों पर गंगा का पानी कम, नाले का कचरा पानी अधिक दिखता है। कर्ज चूक मामले में घिरे शराब कारोबारी विजय माल्या ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपनी 13,900 करोड़ रुपए की संपत्तियों को बेचने की अनुमति मांगी है, ताकि वो बैंक का कर्ज अदा कर सके। माले ने आज कहा कि यदि परिवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उनके इस प्रस्ताव का विरोध किया जाता है, तो ये साफ हो जाएगा कि बकाया की वसूली से आगे भी उनके खिलाफ एजेंडा है। माल्या ने कई ट्वीट के जरिए कहा कि वो बैंकों के कर्ज चूक मामले में पोस्टर बॉय बन चुके हैं। यानी जब भी बैंकों के कर्ज को नहीं लौटाने की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की साझा सरकार पर संकट के बादल दिख रहे हैं। बजट और कई दूसरे मुद्दे पर दोनों पार्टियों में मतभेद है। बढ़ते मतभेद के बीच रविवार को कांग्रेस और जेडीएस के वरिष्ठ नेता बेंगलुरु में बैठेंगे।
ताकि मतभेद को खत्म कर सके। इस बैठक में न्यूनतम साझा कार्यक्रम को भी आखिरी शक्ल दी जाएगी। आपको बता दें कि सिद्धारमैया ने एक दिन पहले कहा था कि गठबंधन में आए तनाव के चलते उन्हें संदेह है कि ये सरकार शायद ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। सिद्धारमैया ने कहा कि ये तब तक रहेगी जब तक संसदीय चुनाव पूरे नहीं हो जाते। मॉनसून ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। ये राजस्थान से यूपी होते हुए पश्चिमी यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है, जबकि हरियाणा में आज सक्रिय होने की उम्मीद है, जो अगले 48 घंटे में पूरे हरियाणा को कवर कर सकता है, जबकि अगले दो दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बरसात भी हो सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से इसके लिए हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि मॉनसून की लाइन ने अभी तक हरियाणा को नहीं छुआ और ये यूपी के रास्ते पहाड़ी इलाकों में जा पहुंची है। वहीं सरकार ने आज से 1 जुलाई के बीच राज्य के कुछ जिलों में भारी बरसात की चेतावनी जारी की है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।